मैंने एक साथी से कहा, ओ बाबा चलो, मैं दो साथी हैं, तुम भी हो जाओगे, जमात हो जाएगी, तीन आदमी की जाएंगे। अरे बोले मौलाना, मैं अभी चिल्ला दे के आया, क्या तुम मेरे पीछे पड़ गए, चलो चलो। अरे चलो ना, एक दो रोज में क्या बिगड़ता है। अच्छा बोले मैं आता हूँ सुबह। आए बड़े मियाँ, नहा धोकर आए, चलो उठेगे नहीं अभी तक। अरे मैंने कहा अभी उठ कर जरा सब्र करो। हम गए, बस पकड़ के जाने लगे, रास्ते में कहने लगे मेरे को यहाँ दुख रहा, सीना दुख रहा। खिड़की के पास बैठे हो, सुबह नहा कर आए हो, इसलिए सीना दुख रहा, इधर बाजू में बैठो। आगे जाके गए, कहने लगे तकलीफ बढ़ गई मेरी। अब जहाँ उतरे मैंने कहा यहाँ कौन छोड़ गया, उस जमाने में काम इतना आम नहीं था, वो इक्का दुक्का बस्ती में कहीं होता था, किसके पास छोड़िया, कौन है, चलो वहाँ इज्तिमा गांव में। अब सुबह निकले हुए रात को पहुंचे, मगरिब से पहले पहुंचे, मगरिब की नमाज पढ़ी। मैंने स्कूल के कमरे में बड़े मियाँ को लेटा दिया, लेट जाओ। डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने कहा मैं इंजेक्शन देता हूँ, दवा देता हूँ, बड़े मियाँ को सर्दी लग गई, उनको लिटाया। फिर एक प्याली चाय हम दोनों ने पी, उन्होंने कहा पियो, मैं जाता हूँ बात करने, तुम आराम करो। अब मैं ईशा की नमाज पढ़ के बात करने गया, जब वापस आया एक साथी ने कहा रे मौली साहब, वो आपके साथी को खून की उल्टी हो गई। इन्ना लिल्लाह, क्या, मैं दौड़ता हुआ आया, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इंजेक्शन देता हूँ, दवा देता हूँ, आराम कराओ, सुबह भेज दो फूना वापस किसी के साथ। मैंने कहा ठीक है। अब रात को ईशा की नमाज के बाद खाना वाना खाकर मैं कमरे में आके बैठा, तलबा का कमरा था स्कूल के, मैंने कहा बेटे तो जरा नीचे आराम कर ले, ये मेहमान को बीमार को ऊपर लिटा देंगे खाट पर। बोले कोई बात नहीं, लिटा दो। बच्चे नीचे सोए, एक मौली साहब थे वो, मैं हम दोनों बैठे टेक लगाकर कमरे में, दरवाजा बंद कर दिए, जनवरी का महीना, उठ के बैठे, कहने मेरे को माफ कर दो, मेरी वजह से तकलीफ हो रही, आप लोग जाग रहे हो, मेरे को बाल बच्चों में भेज दो। मैंने कहा छोड़ खान साहब, सो जाओ और इंशाल्लाह सुबह भेज देंगे आप। कहा बोले मेरे को भेज दो और मेरी गलती माफ करो और मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही ये भी माफ करो। मैंने कहा नहीं, कह सो जाओ, ज्यादा बात मत करो। उनको लिटा दिया। मैंने मौली साहब से कहा मौली साहब तुम जाओ, तुम्हारे जिम्मे इज्तिमा का खाना है, मैं जब तक इनकी आंख नहीं लगती मैं भी अपना बैठा रहूंगा, आंख लगी तो मैं भी सो जाऊंगा। अब वो लेट गए, मैंने एक बत्ती बंद कर दी, छोटी बत्ती मैंने चालू रखी, दरवाजा भेड़ दिया और दीवार से टेक लगा के चादर ओढ़ के बैठा। थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस हुआ किसी ने कमरे का दरवाजा खोला, मैंने देखा पलट के, मैंने कहा हवा होगी, कभी दरवाजा खुल जाता हवा से, मैंने दरवाजा लगाया। फिर ऐसा मालूम हुआ किसी ने कमरे में कदम रखा, मैंने कहा बाप रे जिन्नात मालूम पड़ते बाप, ये कौन आया कौन गया, कोई भी नहीं, मैं अकेला, ये बच्चे और मरीज। फिर ऐसा महसूस हुआ कोई चीज जमीन से किसी ने उठाई, मैंने कहा पहले मरीज को देखो। अब मैं उठा, मैंने कहा ओ खान साहब, खान साहब अपने में नहीं है, तस्बीह हाथ में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तेज चल रही, और देख रहे बड़े में ही हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस ऐसा मालूम हुआ तस्बीह हाथ से गिरी तो जान पहले निकली कि तस्बीह जमीन पर पहले गई, अल्लाह ही को मालूम, बस इतना वक्फा। तस्बीह गिरने का वक्त और जान निकलने का वक्त बिल्कुल बराबर। और फिर आंख मैंने नहीं बंद की, आंख जैसे किसी ने बंद कर दी, हाथ सीधे कर दिए और पांव सीधे कर दिए, चादर मैंने ढांप दी। मैंने किसी को मरते नहीं देखा था जिंदगी में। मैं एक साथी को बुला लाया, आकर कहने लगे मौली साहब चिड़िया उड़ गई, पिंजरा खाली रह गया, कितने आसानी के साथ जान निकली। इन्ने बिकुल्ली मोमिनिन रफीकुन, हर ईमान वाले के लिए मैं नरम हूं, नरमी का मामला करता हूं, यह हमारी जरूरत है, अल्लाह हमारे साथ नरमी का मामला करे। एक बुजुर्ग का हाल में इंतकाल हुआ, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, कहते थे लोग आओ मेरे साथ कब्रस्तान में, अल्लाह की कसम मैं नमाजी की कब्र की रौनक भी बतला दूं और बेनमाजी की कब्र पर खुदा का आजाब भी देख लो चल करके, बहुत खतरे की घंटी है। नमाज की पाबंदी, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना और नमाज की दावत देना, क्या पैसा लगता है, पैसे लगते हैं नमाज की दावत देने की। हदीस में आता है तीन आदमी कल कयामत के मैदान में खुदा के अर्श के साए में होंगे, आदिल बादशाह, नौजवान इबादत गुजार और नमाज की दावत देने वाला दाई यदू एलसनवान, जो नमाज की दावत देगा कल कयामत में खुदा के अर्श के साए में होगा। हमारी जरूरत है नमाज की दावत देना, नमाज की पाबंदी करना, नमाजों को अपने वक्त पर पढ़ना ईमान के बाद सबसे बड़ी नियमत है। और एक अमल बुजुर्गो, अपनी 24 घंटे की जिंदगी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को लाओ। हजरत जी दामत बरकातों ने एक मरतबा ताजिरों में फरमाया अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता, देखो अपनी तिजारतों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम मत करो, सही तिजारत करो।
शादी सीधी शादी उधर पाश्चरातन के तरीके पर, जैसे आपने देखा असर के बाद शादी हुई, इतना बड़ा मंडप शादी वालों के बाप की शादी में भी नहीं लगा होगा। क्यों भाई, इतना बड़ा मजमा करोड़पति की शादी में नहीं आता, और वो भी गाली देने वाला नहीं, शराब पीने वाला नहीं, जुआ खेलने वाला नहीं, जानी नहीं, चोर नहीं, न जाने कैसे कैसे माई खेला इसमें होंगे, कैसे कैसे अल्लाह के बंदे होंगे। खुदा की कसम, जिनके दुआओं की बरकत से अल्लाह खुदा हम सबका बेड़ा पार कर सकता, ऐसे लोग भी आते हैं इज्तिमा में। हाँ, हम उन्हें नहीं पहचानते। एक जगह एक दफा तो एक दादे ने गड़बड़ की, दादा क्या लगा रखा है, लोग बोलने लगे, वो चिल्ला रहा, इज्तिमा हजरत आने वाले थे। मैंने कहा दादा के बच्चे देखूंगा कोई कितना बड़ा दादा, मैं गए तो तेजी के साथ, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा क्या है, मत जाओ, हो गया उसका इंतजाम, मत जाओ, कहने लगे। अब मेरे को गुस्सा आया था, मैंने कहा मत जाओ, काहे को मत जाओ, दादा होगा अपनी जगह पर। नहीं बोले, मत जाओ, हो गया उसका इंतजाम, अल्लाह ने उसका इंतजाम कर दिया। हमें आगे जाके पलट कर देख रहा, मैंने कहा किसने मेरे कंधे पर हाथ रखा उसका इंतजाम, कोई आदमी दिखता तो नहीं, दिखा भी नहीं पीछे, ऐसे भी अल्लाह के बंदे होते हैं। हर बेशा मबर के खाली, शायद के पलंगे खुफ्ता बाशा, जंगल को खाली मत समझो, शेर कहीं ना कहीं सोता होगा। कैसे अच्छे माहौल में, अल्लाह अल्लाह के माहौल में और दीन की फिक्रों के माहौल में निकाह हुए, अल्लाह खैर बरकत लाए। उज़्र पाक सलातम का तरीका, गमी में भी एक उज़्र पाक सलातम का तरीका क्या है, लोग क्या करते हैं इसको मत देखो बुजुर्गो, सुलूक में भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। आज हमारे हजरत जी दामत बरकात में एक बात फरमाते हैं, एक मतलब बात चली, दो साल पहले की बात है, पूरा हिंदुस्तान का काम करने वाला अमला निजामुद्दीन पहुंचाता, हर साल पहुंचता है। किसी ने कहा हजरत आप क्या चाहते हैं इस मजमे से, कहा मैं एक बात चाहता हूं, दो बात, एक तो ये मखलूक के साथ सुलूक अच्छा करे, और इसके अलावा रात को उठकर अल्लाह से मांगे, सुलूक अच्छा करे, सुलूक में ताकत है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जाने लगे ना, तो हजरत अबूबकर सिद्दीक से फरमा चलो मस्जिद में बैतुल्लाह में दो रकात पढ़ लें। हजरत उस्मान, एक और उस्मान है जो जिनके पास चाबियां थी बैतुल्लाह की, वो थे अंदर। आपने फरमाया उस्मान दरवाजा खोल दो बैतुल्लाह का, हम दो रकात पढ़ेंगे। फरमा नहीं खोलता, लोगों को पता चल जाएगा मेरी खैर नहीं। अरे फरमाया उस्मान खोल दे, नहीं खोलूंगा। फरमाया क्या करेगा उस दिन, यहां तू अंदर खड़ा मैं खड़ा रहूंगा, और जहां मैं खड़ा हूं तुझे खड़ा रहना पड़ेगा, का हमारी जिल्लत के दिन होंगे उस दिन, पूरे जलील हो जाएगी। अब सलासम बगैर दो रकात पड़े चले गए। एक वक्त आया, आप सलासम मक्का फता हुआ, आप आए चलकर, और वहां खड़े थे जहां उस्मान खड़े थे, और जहां आप खड़े थे वहां तो उस्मान खड़े हो गए। फरमाया उस्मान बताओ क्या मामला करना चाहिए तुम्हारे साथ। फरमाया हुजूर जो शरीफ शरीफ के साथ करता, लो बैतुल्लाह की चाबियां लाओ, ये लो, माफ नहीं किया। ये कोई कमाल नहीं माफ करना, बल्कि माफ भी किया और एहसान भी किया। जाओ उस्मान माफ किया, ये लो बैतुल्लाह की चाबियां तुमको वापस करता हूं। ये है अखलाक ईमान। देखो तुम्हारी मेरी तस्बीह, तुम्हारी मेरी टोपी और जुब्बा, और तुम्हारी मेरी बातें, तुम्हारी मेरी तकरीर दुनिया में ईमान को नहीं लाएगी, हिदायत को नहीं लाएगी। मुसलमान का सुलूक दुनिया में हिदायत को लाएगा, ये सीखो। मां के साथ सुलूक नहीं आता, बुजुर्गो यकीन मानो। आज की मां परेशान, आज का बाप परेशान है। बेटा जेंटलमैन बनकर चौराहों पर खड़ा होता है, और मां बाप मेहनत मजदूरी करके गुजर औकात करते हैं। मां का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है? मां के पांव तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। खंदक की लड़ाई, साहबा को खाने को नहीं, किसी ने आकर शिकायत की हुजूर मैंने पेट पर पत्थर बांधा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उठाकर बाप बतलाया मैंने दो बांधे, चुप हो गए लोग। बुढ़ी औरत आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लपके अपनी चादर बिछाई बुड्ढी को बैठने के लिए, उसे खाना खिलाया और पैसे दिए, और बहुत देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे, और दूर तक उस बुड्ढी को छोड़ने के लिए गए। साहब ने कहा हुजूर ये बुड्ढी कौन है? फरमाया ये बुड्ढी मेरी माँ है, जिसने मुझे दूध पिलाया। बताओ दूध पिलाने वाली माँ के साथ ये सुलूक, एक मुसलमान को अपनी सगी माँ के साथ क्या सुलूक करना चाहिए? सुबह उठकर एक प्यार मोहब्बत की निगाह माँ बाप के चेहरे पर डाल दे, अल्लाह मकबूल हज उम्रे का सवाब देगा। माँ बाप की खिदमत कर ले, अल्लाह माल देगा।